उम्मीद है कि रिजवान मोहम्मद रिजवान है, हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो भी इंशाल्लाह धोनी से अच्छा हमारा जो है ना कीपर बनेंगे। MS धोनी बहुत ही अच्छे, सबसे पहले तो बहुत अच्छे वो विकेट कीपर हैं, उसके साथ बहुत ही वो अच्छे कप्तान हैं, कप्तान के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, वो इतनी देर उन्होंने इंडिया की भी कप्तानी की है और हमेशा उन्होंने बहुत ही अच्छी कप्तानी की है, अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे, उन्होंने इत्तेफाक बहुत है। उन बस मैच देखने का बड़ा मज़ा आया, मेहनत की, MS धोनी की कप्तानी की मैं तारीफ़ करता हूँ, जैसे जैसे उसने सारी टीम को लेके चला, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीना नाज़रीन। चेन्नई सुपर किंग जो है वो IPL का टाइटल जीत गया है। MS धोनी, उनकी तो क्या ही बात है, उन्होंने पूरी टीम को बड़ा ज़बरदस्त लेके चले हैं और ये 5वीं दफ़ा जो है उनको ये मैच जितवाया है। अगर हम बात करते हैं MS धोनी की, ये हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद वो कोई कोचिस या मैचेस जो इस तरह से कोचिस क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम के साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको मैच एक के बाद एक जितवाए चले जाते हैं, तो वो इस बारे में क्या करते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उनके लेवल का है, अगर नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में कौन उनके लेवल का हो सकता है। अब आपकी तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। MS धोनी हमारा आइडियल है, तकरीबन हम चाहे पाकिस्तान से लेकिन इंडिया को हम प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छा जो है वो कैप्टन रहा है इंडिया का, उन्होंने 5 साल जो चेन्नई सुपर किंग को जितवाया, 5 दफ़ा जो है उनको ये मैच जितवाया भी है। अब आप देखें वो इस कंडीशन में है कि वो कोचिज़ भी ले सकते हैं, क्लासेस जो है वो आगे वो रन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम के साथ होते हैं, वो प्रॉपर खेलते हैं। आप उनकी कीपिंग देखें, ऐसे थ्रो लगाते हैं बगैर देखें, तो उसके बारे में क्या कहना है? उस रिकॉर्ड बहुत जो उन्होंने फास्ट जो है मे बी 0.7 कुछ उसमें उन्होंने एक स्टैम्प भी गया हुआ है। और हमारे जो है पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजवान मोहम्मद रिजवान है, हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो भी इंशाल्लाह धोनी से अच्छा हमारा जो है ना कीपर बनेंगे। हमारे जो प्लेयर हम करंट सिचुएशन तो देख रहे हैं, थोड़ा हैंडल नहीं हो पाता उस तरह से। अगर पाकिस्तान में देखें तो क्या कहते हैं, इन फ्यूचर कोई ऐसा आएगा प्लेयर कि पूरी टीम को भी साथ लेके चले ना, खुद भी तो अच्छा खेलते हैं, पूरी टीम भी साथ खेलना ज़रूरी है। ये जो हमारे जो कैप्टन थे बाबर आजम, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उनके साथ कोई बड़े नहीं थे, जैसे अभी रोहित शर्मा को, मतलब वो कैप्टन ही थे ना, बड़े तो अभी वो टीम के बड़े वो हैं या हाँ। उनके साथ कोई एक्सपीरियंस वाला प्लेयर नहीं था ना, जैसे शोएब मलिक ने रिटायरमेंट ले ली, मोहम्मद हफीज़ ने भी, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर आहिस्ता आहिस्ता कमिंग सून इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कि MS धोनी जो हैं उनके साथ कौन से ऐसे बड़े प्लेयर जो उनको सपोर्ट करते हैं या उन्होंने सीखा उनसे, कौन से हैं वो? यही इंडिया में तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, राहुल है, पांड्या भी तकरीबन उन्हीं के ही हैं, सो इसीलिए अच्छे प्लेयर हैं में बहुत। अब जो आ रहे हैं इंडिया के फ्यूचर प्लेयर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा। हमारी ख्वाहिश थी हम भी पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलें, मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, इंशाल्लाह कमिंग सून आप हमें देखें। आपने कहा है कि वहाँ नए प्लेयर आ रहे हैं और वो बड़ी अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। वहाँ पर IPL में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला है, चाहे वो न्यू थे, लेकिन जो दारोमदार होता है वो होता है हेड पे, जो हेड होता है वो पूरा अच्छी तरह लेके चलता है। तो क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस पूरे IPL में कैसी रही? उनकी तो बहुत अच्छी रही है, फाइनल विन किया ना उन्होंने, बहुत अच्छे उनके एक्सपीरियंस भी, और इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के, और IPL में भी उन्होंने, जाहिर सी बात है फिर अच्छा जो है वो उन्होंने अपने टीम को बताया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्यों ऐसे सिनेरियोस नहीं पैदा होते, यहाँ पर इधर बजट का इशू है, क्या उनको प्रॉपर गाइडलाइन क्यों नहीं? बजट का इशू नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं यहाँ के लोग। कुछ कहते हैं कि पर्चियों पे जा रहे हैं, जैसे इमाम उलाक आए थे वो उन्होंने भी पर्ची कह दिया, उसने अनतलत आए थे शाहरा, उन्हें भी पर्ची कह के उन्होंने जो बगा, इसीलिए लोग मेहनत नहीं करते। लोग कहते हैं कि पर्चियों पर जा रहे हैं, लिए अब हम टेप बॉल खेलते हैं, हमारा शो का हार्ड बॉल खेलें। इधर मॉडल टाउन में क्लब में जाएं, वो कहते हैं जी पैसे ही बड़े मांग लेते हैं और गरीब क्या करें। तो आपके कहते हैं अपकमिंग जो है यहाँ पर भी कोई ऐसा सुपरस्टार होगा, MS धोनी बड़ी उनका नाम है, उधर पॉपुलर है हर जगह ही, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा स्टार होगा सब जगह पॉपुलर। बाबर आजम ODI में नंबर 1 है, तो वो भी अब स्टार ही बने हुए हैं। ऐसा ही है कुछ हमारे बैट्समैन आ रहे हैं, जैसे अभी वो आए हैं सैम यूब, तो वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। फ़खर जमान भी अच्छे हैं, लेफ्ट हैंड हमारे पास कम ही है, एक ही था फ़खर जमान, अब सैम यूब भी आ गया। इंशाल्लाह ये है कि ऐसे प्लेयर्स को अगर कंटिन्यूसली लेके चला जाए, अगर उनको पीछे ना रखा जाए, हर एक चीज़ में उनकी प्रैक्टिस जारी रखी जाए, तो फिर हो सकता है अपकमिंग वो अच्छी परफॉर्मेंस करें। एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान में ही होगा, तो इंडिया जो है इशू बना रही है कि हमने नहीं आना, तो इंशाल्लाह इंडिया आएगी, मज़ा आएगा खेलने का, हमें देखने का भी मज़ा आएगा। हमारी भी एक हमारी एक विश है हम भी टीम में जाके टीम की पाकिस्तान की तरफ से खेलें, अपने वतन की तरफ से लड़ें, फाइट करें क्रिकेट में। ओके थैंक यू। एमएस धोनी बहुत ही अच्छे, सबसे पहले तो बहुत अच्छे वो विकेट कीपर हैं, उसके साथ बहुत ही वो अच्छे कप्तान हैं, कप्तान के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। वो इतनी देर उन्होंने इंडिया की भी कप्तानी की है और हमेशा उन्होंने बहुत ही अच्छी कप्तानी की है। अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे, उनमें इत्तेफाक बहुत है, उनका लहजा बहुत धीमा है। और विकेट कीपर की बात करें तो उस विकेट कीपर में तो माशाल्लाह वो लेजेंड है। हमारी यही देखिए वो ऐसे दूर से थ्रो भी करते हैं और बगैर देखे कैसे एग्जैक्ट उनकी लग जाती है, मतलब ब्रिलियंट ये उनकी क्या मतलब ट्रेनिंग कहेंगे या किसी उनके कोई ऐसे बड़े हैं जिनसे उन्होंने ये मेहनत ही है, ये वो मेहनत करते हैं और अल्लाह पाक ने उनको ये सिला दिया हुआ है। और माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे कीपर हैं, तो साथ कीपिंग के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और उन्होंने ऑलराउंडर हैं, मतलब ऑलराउंडर बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। उन्होंने इंडिया की कप्तानी भी उन्होंने की है, इंडिया की कीपिंग भी की है, उन्होंने इंडिया को वो मैच जितवाया जो अनबिलीवेबल था, मतलब कोई मैच। अगर हम बात करें ये एमएस धोनी की, आगे अगर हम बात करें वो इतने एक्सपर्ट और प्लेयर्स तो हो चुके हैं, वो कोई कोचिंग वगैरह की क्लासेस स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक स्टिल वो टीम के साथ खेल रहे हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी टीम को लेके चलते हैं, क्या कहेंगे? उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है और अभी वो हमारे देखें ना, हमारे जैसे बड़े प्लेयर थे, शाहिद अफरीदी हो गया, शोएब अख्तर हो गया, उनके साथ भी वो खेलते रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत जल्द क्रिकेट छोड़ दी है। वो अभी भी फिट हैं और कीपिंग में भी बहुत अच्छे हैं और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये वो टीम को इतना अच्छा लीड करते हैं कि मतलब वो कोई टीम का ऐसा कप्तान नहीं है जो इस तरह अपनी टीम को लेके चलता है और अपनी टीम को जितवाया। बिल्कुल इस तरह से है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या फ्यूचर में कोई ऐसा आ सकता है कैप्टन या कप्तान जो पूरी टीम को भी लेके चले और इस तरह सपोर्ट करे और एंड तक इतना फिट जो है अंदाज में खेले? देखें ना, अभी हमारे जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, वो एक तो कप्तान बहुत अच्छे हैं और दूसरा वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एमएस धोनी है ना, उनकी वो बहुत पुराने प्लेयर हैं, वो पहले बड़े प्लेयरों के साथ खेलते रहे हैं, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, उनका जो तजर्बा है वो लेकिन अभी तक नहीं है। हमारा दिल यही कहता है कि जो हमारी पाकिस्तान टीम है इसमें बाबर आजम भी बैट्समैन अच्छे हैं, तो कप्तानी भी उनको सीखना चाहिए, उनके मैचेस देखने चाहिए वो किस तरह अपनी टीम को लीड करते हैं और कैसे। क्या कहते हैं यहाँ पर जो सीखने का क्राइटेरिया वो क्या है? डिपेंड पैसों मार्जिन पे करता है कि वो सिखाने के लिए जो भी उनको पूरा चाहिए फैसिलिटीज़ पे करता है कि खुद वो सीखना नहीं चाहते, सारी फैसिलिटीज़ में? नहीं, यहाँ पे तो देखें ना, ज़्यादातर तो यही है कि मतलब लड़के जिसमें क्रिकेट में बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में यही है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा चलता है। और बाकी ट्रेनिंग की बात है, वो ट्रेनिंग भी उन्हें मिलती है जो क्रिकेटर के बेटे हैं या क्रिकेटर के आगे कोई भांजे हैं, उनको ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें क्रिकेट में लेके आते हैं। बाकी जो आम लोग हैं इनको नहीं लेके जाते इंडिया में, लेकिन जो इंडिया के ये है जैसे एमएस धोनी है, वो सारे क्रिकेट में अच्छे थे, जो वो सिर्फ उनकी क्रिकेट चेक करते हैं, उनका पैसा वगैरह चेक नहीं करते हैं। आप देखिए काफ़ी न्यू प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह खेला है, बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी उनका गिल आया, वो इस तब वो कह रहे हैं कि जो कोहली है उसको भी पीछे छोड़ के जा रहा है, वो इतना अच्छा बैट्समैन है। उसने अभी पिछले मैच में उसने 100 किया है और इतने अच्छे सिक्सेस लगाए हैं जो पाकिस्तान में इस तरह को लगा नहीं सकता। और पाकिस्तान में तो सारे बैट्समैन, अब जो शाहिद अफरीदी हैं वो क्रिकेट छोड़ के सियासत में आ गए हैं, लेकिन जो एमएस धोनी है उसने क्रिकेट नहीं छोड़ी, मतलब सियासत हर चीज़ की है लेकिन क्रिकेट को उसने सबसे पहले रखा हुआ है, इसलिए वो फिट भी है और अपनी टीम को भी साथ लेके चलते हैं। आज तक वो खेल भी रहा है। बस मैच देखने का बड़ा मज़ा आया, मेहनत की, एमएस धोनी की कप्तानी की मैं तारीफ करता हूँ, जैसे जैसे उसने सारी टीम को लेके चला इसमें कोई शक नहीं है, वैसे भी अच्छा कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप क्या कहते हैं जो लास्ट ओवर गया है वो बड़ा ज़बरदस्त और हिट गया? मैंने कहा एक दफ़ा सारी मैं तो नींद आ रही थी, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि यार ये मैच दिलचस्प हो गया था ऐसे मैच। आप क्या कहेंगे एमएस धोनी के बारे में कि अभी वो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो आगे चले गए हैं, इस तरह के वो कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो अभी अपनी टीम को लेके चलते हैं, पूरा गाइडलाइन उनको देते हैं और इतने फिट हैं, क्या कहेंगे? बस उन्होंने अपने आप को वैसे ही रखा जैसे जो जब से पहले टीम में आए थे, वैसे ही अभी की उसकी परफॉर्मेंस देख लें, अभी वैसे की वैसे ही है, किसी के साथ वो बदतमीजी नहीं करते। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान में ऐसा कोई कैप्टन अभी तक आया है जो उनके लेवल का हो, जो पूरी टीम को भी साथ लेके चले? आप उनकी कीपिंग देख लें, इतनी दूर से वो थ्रो करते हैं बॉल, तो बगैर देखे भी वो कर लेते हैं और बड़ी ज़बरदस्त शॉट जाती है। जी, ऐसे इसमें कोई शक नहीं, दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर है MS धोनी। इसकी यहाँ पर जो पाकिस्तान में आप किसको देखते हैं कि उनके लेवल का हो या आगे इन फ्यूचर कोई हो सकता है? मैं मोहम्मद रिजवान को देख रहा हूँ, अच्छी है अभी तक तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में बाबर आजम है, ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कहेंगे उनकी पब्लिश होने में, उनको क्या दरकार है, कुछ फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, क्या क्या वो तवज्जो नहीं दे पा रहे या उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, किस तरह? बस इसको थोड़ा पता है, धोनी जैसे प्लेयर बड़ा है, इसमें कोई हर्ज नहीं, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये नहीं है कि वो इंडिया का है या हम पाकिस्तानी है, वो हमारे दुश्मन, नहीं, जो प्लेयर है उसके हवाले से जितनी भी नॉलेज मिले सीखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारी क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी उनको बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए कि आगे जाके हमारा भी जो नाम है MS धोनी का है, हाँ, तो आप देखें ना उसमें कैसी परफॉर्मेंस। इंशाल्लाह ये देखें ना, बाबर आजम का नाम भी अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में तो लोग तारीफ़ करते हैं। प्लेयर हमारे भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो थोड़ा पता ज़रा गुरूर कर लेते हैं, एक दूसरे से बदतमीजी लेवल, जो कैश ड्रॉप हो जाता है प्लेयर से, ऐसा हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये जो IPL गया है पूरा ऑल ओवर, क्या कहेंगे? ज़बरदस्त गया है और हर एक टीम बड़ा अच्छी तरह खेली जी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने हर टीम में गैर मुल्की प्लेयर थे, राशिद खान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, अफगानिस्तान के जो पूरा IPL देखा जी, तो कैसा आपको लगा? हर एक क्या उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब वो थी, थ्रो कर रहे थे, छिक्के चौके और फिर बोल्ड, इस तरह का? हाँ, वैसे जो उनकी परफॉर्मेंस जो देखा तो 200 से ऊपर ही जाता था, कोई भी मैच देख लें, वो 200 से ज़्यादा जो चेज़ किया है स्कोर, दिलचस्प मैच रहा, कोई भी देख लें आप IPL का। तो आप क्या कहेंगे उनकी इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पे, और फाइनली वो मैच जीत गई है चेन्नई सुपर लीग? मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चेन्नई 4 या 5 दफ़ा जीते ये टाइटल, 5 दफ़ा जो है उन्होंने जितवाया MS धोनी ने, तो इतना वो ज़बरदस्त साथ उनके लेके चलते हैं। रियल कोई भी प्लेयर हो, मैं तो उसका फ़ैन हूँ, मैं खासकर धोनी का फ़ैन हूँ। यहाँ क्या कहते हैं जो बड़े बड़े और भी प्लेयर्स हैं, वो भी MS धोनी ने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, जो बड़े बड़े प्लेयर्स। मैंने तो पहले भी कहा है, इनसे भी कुछ सीखना चाहिए, इसमें हर्ज कोई नहीं है, चाहे बाबर आजम है चाहे मोहम्मद रिजवान है। कीपरिंग देख लो, वो गेंद पकड़ता है, ऐसे फेंकता है, चांस देता ही नहीं है। स्टंप किया एक प्लेयर को, मैं कंफ्यूज हो गया, वो स्टंप किया, मैं हैरान परेशान, कैसे भी प्लेयर होते हैं। और आगे इधर जाके कोई बेहतर हालात लग रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हाँ, आपको भी होना चाहिए, हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को अपनी फेवरेट जो टीम है वो पाकिस्तानी है। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि MS धोनी ने जो है इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, इतने अच्छे वो कोच हैं कि हर एक लिहाज से जो अपनी टीम को लेके चले हैं, और फाइनली उनको बड़ा ज़बरदस्त मैच जो है विन करवाया है, तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं नो डाउट MS धोनी जो है वैसे ही बड़े पॉपुलर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं, वो मेहनत करने से कतराते नहीं हैं, और उनके जो सीनियर हैं वो उनसे सीखते भी हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी जो है बाबर आजम है, आसिफ है, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। अगर वो कंटिन्यूसली खेलते हैं, आपस में इख्तलाफात ना रखें, एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं, और अपनी ट्रेनिंग पे तवज्जो दें, तो वो भी उस लेवल पर जा सकते हैं, और वो इस जीत पे जो है इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को खेलने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।